आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम के साथ तबस्सुम टॉकीज। तो शराफत बाजार में बिक रही है और तुम उसके खरीदार हो, मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1,000 रुपया। और इस 1,000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, डाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी का खून करना पड़े। मंजूर है? ये वो आंखें हैं जिनकी वजह से हमारे आज के मेहमान फिल्म इंडस्ट्री में आए। मिलिए KN सिंह साहब से। सिंह साहब, आपकी आंखें रसीली भी बहुत हैं और डरावनी भी बहुत हैं। आपकी आंखें देख के तो मुझमें हिम्मत ही नहीं रही कि मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूं। बहरहाल आप जरा सी हिम्मत बंधा दे तो मैं पूछूं। आज के नए कलाकारों के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं? भाई देखिए, जो जितने पुराने लोग थे हमारे साथ के जितने थे, मेरे ख्याल किसी ने आज तक ये फिक्र नहीं कि कल क्या होगा। नहीं, वाकई है ये, जितने भी थे, यानी किसी ने अपना घर भी नहीं बनाया। और जितने बच्चे आज आए हैं 70 के बाद 75 के बाद, खुदा उनको और तरक्की दे, उनकी अकल को और जरा सा उजाला करे। बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है। उन्होंने अपने आप तो क्या, अपनी 2 पीढ़ियों को बिल्कुल आराम से संभाल दिया है, कोई घबराहट की बात नहीं है। इसीलिए हमारा प्रोड्यूसर कमजोर पड़ गया है, क्यों कि डिक्टेशन प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है, आर्टिस्ट के हाथ में है। और पावरफुल किसे होना चाहिए? प्रोड्यूसर को, क्योंकि कमिटमेंट तो वो करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर देनी है, उसे फाइनेंशियर को पैसे देने हैं, जिम्मेदार वो है। ताकत कहाँ है? आप अपने दोस्तों का जिक्र कर रहे थे। हाँ। पृथ्वीराज जी का, सहगल हाँ। साहब का, हाँ। पहाड़ी सन्याल हाँ। साहब का, हाँ। उनके बारे में कोई सुहानी याद अगर आपके जहन में हो तो? मेरे यहाँ अक्सर लोग बाग आके भीड़ कर लेते थे, बैठ जाते थे, अपना ये भी आ गए, वो भी आ गए, तो काफी लोग मेरे यहाँ जमा थे उस दिन रात को। 2 बजे बढ़ गया और सब लोग सिगरेट विगरेट पीते, तो कमरे में धुआं, और 10 बाय 12 बाय 12 कमरे में क्या होगा, भीड़ हो ही आता है धुआं। तो मैं उठ के मैंने कहा पर्दे खोल दूं, तो मैंने पर्दे खोल दिए। तबस्सुम, तुम सुन के हैरान होगी कि मेरे घर के सामने, तुमने तो घर देखा मेरा, 150 आदमी छतरी लगाए खड़ा हुआ था सैगल साहब को सुनने के लिए। वाह वाह, मैंने तो भाई प्रणाम किया, मैंने भाई क्या बात है। इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं प्यार। यानी ये चीजें कुछ ऐसी थी उन जमाने में कि मैं कहां तक बयान करूं तुमको। लेकिन मेरे पास बयान करने को बहुत कुछ है। आखिरी दिनों में वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मैं अक्सर उनसे मिलने जाती थी और उनकी बातें सुनती थी। एक दिन कहने लगे, तबस्सुम वो कुर्सी देख रही है ना, उस पे मेरा दोस्त बैठा था मोतीलाल, और उसके बाजू वाली कुर्सी पे बैठता था पृथ्वीराज, वो भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। एक कुर्सी छोड़ के जो कुर्सी तुझे नज़र आ रही है ना, उस पे बैठता था मेरा दोस्त पहाड़ी सन्याल, और खिड़की के करीब जो कुर्सी है आखिरी कुर्सी, उस पे बैठता था मेरा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, KL सहगल। बहुत हसीन शामें गुजरती थीं, लेकिन अफसोस कि वो सब ये दुनिया छोड़ के चले गए और रह गई बस ये कुर्सियाँ। ये कहते कहते वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। इसलिए मैंने टॉपिक बदलने के लिए पूछा कि अंकल जी, आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? तो कहने लगे, इंतज़ार, इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा, इंतज़ार किसका इंतज़ार करते हैं आप? तो कहने लगे, घंटियों का, डोरबेल का, कि शायद कोई मुझसे मिलने आ जाए, और अगर कोई मिलने नहीं आता तो इंतज़ार करता हूँ टेलीफोन की घंटी का, कि शायद भूले भटके कोई मुझे फ़ोन कर ले। लेकिन कोई नहीं आता और ना ही कोई फ़ोन करता है। दोस्तों, हमें शर्म आनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन नौजवानों को जो अपने बुज़ुर्गों को बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं और ये भूल जाता है कि एक दिन सबको बूढ़ा होना है। ऐसी बातें भी करती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।